आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के इन बाकी ऑप्शंस के बारे में। पिछले वीडियोस में अब तक हमने टेक्स्ट बॉक्स तक के इन सभी ऑप्शंस को कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इंसर्ट टैब के बचे हुए इन ऑप्शंस को भी कवर करेंगे, जिनमें क्विक पार्ट्स, इक्वेशन और सिंबल ये ऑप्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। बेसिक कंप्यूटर सीरीज का ये डे 22 का क्लास है और एमएस वर्ड सीरीज का ये पार्ट 8 वीडियो है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऑप्शन की, क्विक पार्ट्स। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि अगर आप किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में टाइप करते हैं और आप चाहते हैं कि वो फुल फॉर्म में टाइप होकर आ जाए, तो उसके लिए आप क्विक पार्ट्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ CPU और ये आप देख सकते हैं इसका पूरा फुल फॉर्म आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरह से मैंने एक बनाया हुआ है SG और ये आप देख सकते हैं शादाब ग्राफिक्स, चैनल का नाम मेरे आ चुका है। तो इसी तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में टाइप करके किसी भी वर्ड को फुल फॉर्म में अगर करना चाहते हैं तो आप क्विक पार्ट्स का यूज करके कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक वर्ड टाइप कर देता हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसको आपको सिलेक्ट करना है या किसी भी वर्ड को आप करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्विक पार्ट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर कर्सर रोकेंगे तो इस तरह से आपने जो भी वर्ड बनाए होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ नेम में आपको वो शॉर्ट वर्ड डाल देना है जो भी आप टाइप करके इस वर्ड को लाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर RAM ये टाइप किया मैंने, ओके करता हूँ। और अब आप अगर RAM टाइप करेंगे और उसके बाद F3 बटन को प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं रेंडम एक्सेस मेमोरी आपका फुल फॉर्म में आ चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्विक पार्ट्स में भी देख सकते हैं ऑटो टेक्स्ट में आकर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये रैम से जो हमने बनाया है ये हमारे इस गैलरी में भी सेव हो चुका है। इस ऑप्शन का यूज करके आप किसी वर्ड का ही नहीं बल्कि आप किसी इमेज का या फिर अपने सिग्नेचर का भी शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अपना ये साइन लिया हुआ है। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट पर डिजिटली साइन करना है तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के थ्रू अपने सिग्नेचर को पेस्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर को यहाँ पर मैंने पिक्चर वाले टूल का यूज करके यहाँ पर इंसर्ट किया है। आपको अपने मोबाइल फोन से पिक्चर का फोटो खींचना है या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको स्कैन करके भी लैपटॉप में ला सकते हैं और उसके बाद आपको पिक्चर वाले ऑप्शन का यूज करके अपने इमेज को इसके अंदर ले आना है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को सेव करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्विक पार्ट्स में आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ लास्ट में ऑप्शन मिलेगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे फिर से यही ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको नेम वाले ऑप्शन में डाल देना है साइन, साइन मैंने डाला, उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे और आपका ये सेव हो चुका है। अब जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब आप सिर्फ साइन लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिंसियरली प्लीज एंटर टू इंसर्ट, यानी कि ये समझ गया इसका एल्गोरिदम कि आपको यहाँ पर आपने कोई वर्ड सेव किया हुआ है इस नाम से, बस आपको एंटर प्रेस करना है और आपका ये वर्ड पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको साइन लिख करके F3 बटन भी प्रेस करते हैं तो भी आपका ये पेस्ट हो जाएगा, और जितनी बार भी आप इसको पेस्ट करना चाहें साइन लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करते जाएंगे तो आपका ये वहां पर पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को इस ऑप्शन का क्विक पार्ट्स का यूज करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है वर्ड आर्ट का। इसका यूज क्या होता है कि अगर आप किसी भी वर्ड को डिजाइन देना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको स्टाइल देना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और ये आप देख सकते हैं ये वाला टेक्स्ट हमारा इसी फॉर्मेट में आ चुका है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ एक वर्ड को ही यहाँ पर करेंगे तो आप एक वर्ड सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से इंसर्ट टैब में आकर वर्ड आर्ट पर क्लिक करना है और जो भी आप देना चाहते हैं फॉर्मेट वो सिलेक्ट करेंगे और ये आप देख सकते हैं आपका ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करके छोटा भी कर सकते हैं इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग, और ये जो शेप है इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप कैप का। इसका यूज करके आप अपने पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर सकते हैं। ड्रॉप कैप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ फॉर्मेट आएंगे, जैसे कि मैंने ड्रॉप वाला सिलेक्ट किया और ये आप देख सकते हैं पहला लेटर आपका यहाँ पर बड़ा हो चुका है। ड्रॉप कैप के अंदर ही आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है इन मार्जिन वाला। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये वर्ड इंडेंट के बाहर आ जाता है। अगर आप इसको इस तरीके से रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको बीच वाला ऑप्शन मिल रहा है ड्रॉप वाला, आप इसका यूज भी कर सकते हैं जो कि आप ज्यादातर न्यूज़पेपर में भी देखते हैं। एक ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर लाइन का। इसका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में सिग्नेचर के लिए लाइन दे सकते हैं। तो जहां भी आप सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर कर्सर रखेंगे, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट के लास्ट में रखा, उसके बाद में सिग्नेचर लाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस तरह की विंडो आएगी, यहाँ पर सबसे पहले नाम देंगे, जिनका भी ये सिग्नेचर होगा उनका क्या नाम है वो आप यहाँ डालेंगे, जैसे कि मैंने अपना नाम डाला। उसके बाद में यहाँ पर आपको साइनर्स का टाइटल डालना है कि यानी कि वो मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं या जो भी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल डाल देता हूँ मैं। उसके बाद में आप ओके करेंगे और ये आप देख सकते हैं उनका नाम यहाँ आ जाएगा और नीचे यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा और ये जो आपको मार्क दिख रहा है यहाँ पर आपको साइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
तो इस तरीके से आप सिग्नेचर लाइन यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम का। इसका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। जहां आपको डेट एंड टाइम चाहिए वहां पर कर्सर रखेंगे, डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपको फॉर्मेट लेना है डेट एंड टाइम का वो सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और ये आप देख सकते हैं डेट और टाइम आपका यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट का। इसका यूज ज्यादा नहीं होता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफी सारे सॉफ्टवेयर के नाम आ जाएंगे। बेसिकली इस ऑप्शन का यूज करके आप किसी और सॉफ्टवेयर से एमएस वर्ड के अंदर कोई भी डिजाइन ला सकते हैं या फिर कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एमएस पेंट के अंदर कोई शेप बनाकर यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो मैं बिटमैप इमेज इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है और ये आप देख सकते हैं एमएस पेंट का एक विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जो भी शेप आप बनाना चाहते हैं वो शेप यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। कलर वगैरह अगर आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है और ये आप देख सकते हैं आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद मिलता है इक्वेशन और सिंबल का ऑप्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन पेपर बनाते हैं किसी स्कूल या कॉलेज के तो उसमें आप अगर मैथ का पेपर टाइप कर रहे हैं तो आपका ये इक्वेशन वाला ऑप्शन बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इक्वेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे बने बनाए इक्वेशंस मिल जाएंगे जिनमें आप करेक्शंस भी कर सकते हैं, चेंजेस करके ला सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप नया इक्वेशन टाइप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इंसर्ट न्यू इक्वेशन इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको इक्वेशन टाइप करनी है। यहाँ लिखा हुआ है टाइप इक्वेशन हेयर। जैसे आप इक्वेशन लेते हैं उसके बाद आपके सामने डिजाइन टैब एक्टिव होकर आ जाता है। यहाँ पर डिजाइन टैब में आपको काफी सारे ऑप्शन आपकी इक्वेशन की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मिलेंगे, तो जिनमें से मेन मेन जो ऑप्शन यूज होते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन तो आपको इक्वेशन के लिए ही मिलेगा कि अगर आप इंसर्ट टैब में ना जाकर डायरेक्टली यहीं से इक्वेशन को इंसर्ट करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा इंक इक्वेशन का। इस पर क्लिक करके आपके सामने इस तरह की विंडो खुलकर आ जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए प्लस बी और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी आ गया। उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं आपका ये जो भी इक्वेशन आप वहां लिखेंगे वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफी सारे सिंबल मिल जाएंगे। अगर आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से पूरा विंडो खुलकर आ जाएगा। जो भी सिंबल आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ले लेता हूँ। उसके बाद में आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करके कुछ भी साइन का यूज यहाँ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मिलेगा फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फ्रैक्शन ये वाला फर्स्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ तो आपको इस तरह से बॉक्सेस मिल जाएंगे। जिस बॉक्स में आपको टाइप करना है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने वन टाइप किया। नीचे जाने के लिए कीबोर्ड से डाउन एरो बटन दबाएंगे, ये आपका कर्सर नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे वो इस वाले बॉक्स में टाइप हो जाएगा। इस तरह से आप इक्वेशन फ्रैक्शन टाइप कर सकते हैं। फ्रैक्शन के अंदर ही आपको और भी फॉर्मेट मिल जाएंगे। जिस भी फॉर्मेट में आपको टाइप करना है वो फॉर्मेट आप ले सकते हैं और इजीली आप इन ऑप्शन के थ्रू अपनी इक्वेशन को टाइप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मिलेगा स्क्रिप्ट का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। सुपर स्क्रिप्ट लेने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो भी टाइप करना चाहते हैं बॉक्सेस में सिंपली इसी तरह टाइप करेंगे। इसके अलावा स्क्रिप्ट में ऑप्शन मिलेगा सब स्क्रिप्ट का। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सब स्क्रिप्ट में भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा रेडिकल का। इस पर क्लिक करके आप रूट्स ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको अंडर रूट का ऑप्शन मिलेगा। जो भी आप लेना चाहते हैं वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इन बॉक्सेस के अंदर आपको टाइप कर देना है जो भी रूट आपको चाहिए वो वैल्यूज आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटेग्रल। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे फॉर्मेट मिलेंगे। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आप इजीली उन बॉक्सेस के अंदर कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ पर है लार्ज ऑपरेटर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो भी फॉर्मेट लेना है वो आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर ब्रैकेट्स मिलेंगे आपको। ब्रैकेट के अंदर अगर आपको कुछ टाइप करना है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तरह तरह के ब्रैकेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे मिलेगा फंक्शंस। फंक्शंस में आपको आप इन पर क्लिक करके वन बाय वन सभी को चेक करें और जो आपकी नीड है उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शंस ले सकते हैं। लास्ट में ऑप्शन मिलेगा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स तो आपने देखे होंगे, आपने 12th के अंदर ज्यादातर ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा। तो मैट्रिक्स आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो आई होप डिजाइन टैब के अंदर आपको ये सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं आपकी इक्वेशन की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। तो इन ऑप्शंस को आप अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करके देखें ताकि आपके क्लियर हो सके। लास्ट में ऑप्शन आपको मिलता है सिंबल का। सिंबल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे सिंबल मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर थीटा मिलेगा आपको और भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मोर सिंबल्स का। इस पर क्लिक करके आपके सामने इस तरह की विंडो खुलकर आ जाती है। यहाँ पर आप फॉन्ट दे सकते हैं। जैसे कि आपको अगर सिंबल वाला फॉन्ट यहाँ पर डालेंगे तो सिंबल से रिलेटेड आएंगे, जैसे कि अल्फा बीटा और भी जो सिंबल होते हैं हमारे वो यहाँ पर आएंगे। और अगर आप इस फॉन्ट में कुछ और टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने विंडिंग्स टाइप किया और ये आप देख सकते हैं इस फॉन्ट के अंदर आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेलीफोन का साइन, मैसेज का साइन, ये आपको इंसर्ट करने हैं तो आप उस पर क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करेंगे
और ये आप देख सकते हैं आपका ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ मैं आपको एक एडवांस चीज बता देता हूँ कि अगर आप सिंबल्स का यूज ज्यादा करते हैं, यानी आप अगर क्वेश्चन पेपर टाइप कर रहे हैं और उसमें अल्फा बीटा गामा ये चीजें ज्यादा आ रही हैं, तो उनका आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर सिंबल के अंदर मोर सिंबल पर क्लिक करना है। इस तरह की विंडो आ जाती है। अब जिस भी सिंबल का आपको शॉर्टकट बनाना है, उस सिंबल पर आपको कर्सर को रखना है। जैसे कि मैं अल्फा का शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, तो अल्फा वाले सिंबल पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्टकट की वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको प्रेस न्यू शॉर्टकट की इसमें प्रेस कर देनी है, जो भी शॉर्टकट आप बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अल्ट ए दबाया अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट ए आपका आ चुका है। अब आपको असाइन पर क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं करंट कीज में आपका ये आ गया अल्ट ए। उसके बाद आपको क्लोज कर देना है इस विंडो को। अब आपको अल्फा को इंसर्ट करने के लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर अल्ट ए बटन को प्रेस करना है और ये आप देख सकते हैं आपका अल्फा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको दूसरा सिंबल बनाना है, दोबारा सिंबल में जाएंगे, मोर सिंबल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अब मैं बीटा का बनाना चाहता हूँ, बीटा पर मैंने क्लिक किया, शॉर्टकट की वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रेस न्यू शॉर्टकट की इसके अंदर शॉर्टकट की टाइप कर देनी है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ अल्ट बी। उसके बाद असाइन पर क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं करंट कीज में आपकी अल्ट बी आ चुकी है। अब आपको विंडो को क्लोज कर देना है। अब जैसे ही आप अल्ट बी बटन को प्रेस करेंगे और ये आप देख सकते हैं आपका बीटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो जितनी बार भी आप अल्ट ए और अल्ट बी प्रेस करते जाएंगे, उतना ही आपका ये अल्फा बीटा आता रहेगा। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। बेसिकली मैं अगर क्वेश्चन पेपर टाइप करता हूँ, तो उसमें मैं इसी तरह से शॉर्टकट क्रिएट करके इन ऑप्शन का यूज करता हूँ। तो आई थिंक ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके अलावा अगर आपने किसी सिंबल का शॉर्टकट की पहले से ही बना रखा है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये डेल्टा का मैंने बनाया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा शॉर्टकट की अल्ट डी। अल्ट डी मैंने बनाया हुआ है। आप अगर शॉर्टकट की में भी जाएंगे, तो यहाँ पर आपको करंट कीज में भी मिल जाएगा देखने को अल्ट डी बटन। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि किसी सिंबल पर शॉर्टकट की लगा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली नीचे दिख जाएगा, और अगर नहीं लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। उसका शॉर्टकट बनाने के लिए आप शॉर्टकट की पर जाकर शॉर्टकट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक इन सभी ऑप्शंस का यूज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तक हमने होम टैब, इंसर्ट टैब और यहाँ तक के सभी ऑप्शंस को अच्छे से कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम डिजाइन टैब को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।